चन्नी जब मुख्यमंत्री बने तो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में सुपर सीएम की तरह दिखाई दिए। हर जगह सिद्धू की छाप दिखाई दे रही थी, वो हर जगह चन्नी के साथ दिख रहे थे। सिद्धू के सामने चन्नी कमतर दिखाई दे रहे थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा खेल खेला कि सिद्धू किनारे हो गए। मौका था अपने पुराने साथियों के साथ मुलाकात का, जिसमें अमरिंदर सिंह पुराने दौर में ऐसे गए कि गाना गाने लगे। जो पंजाब की धरती अपने भांगड़ा और गिद्दा के लिए मशहूर है, वहाँ जब मुख्यमंत्री चन्नी आज तक के कार्यक्रम में डांस करते हैं तो किसी को अचंभा नहीं होता। जानकार मानते हैं कि भांगड़ा करना हो या फिर अचानक जनता के घर में पहुंचकर चाय पीना, ये सब करके चन्नी खुद की छवि को चमका रहे हैं। इसीलिए वो अपना काफिला रुकवाकर हादसे का शिकार हुए बाइक सवार की मदद भी करते हैं। इस दौरान सुरक्षा कर्मी और मीडिया कर्मी भी कैमरा लेकर उनके साथ चलते हैं। वो बाइक सवार से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, और एम्बुलेंस के आने पर वो उसकी मदद भी करते हैं। आखिर में चन्नी बाइक सवार से हाथ मिलाते हैं और अपने काफिले की ओर लौट जाते हैं। चन्नी का यही अंदाज उन्हें सिद्धू पर भी साबित कर रहा है। इसका सबसे ताजा सबूत सोनू सूद का वीडियो है। असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेकर आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, जिसे कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया, जिसमें सोनू सूद असली चीफ मिनिस्टर के बारे में बातें कर रहे हैं। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेकर आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। सोनू सूद के इन बयानों के साथ वीडियो में नाटकीय संगीत और खास अंदाज के साथ सीएम चन्नी की एंट्री होती है, और अगले ही कुछ सेकंड तक संगीत के साथ सीएम चन्नी की तस्वीरें दिखाई जा रही है। पंजाब में कांग्रेस से आते इन संकेतों को सिद्धू के लिए झटका माना जा रहा है, जो खुलकर सीएम पद की उम्मीदवारी पेश कर हाई कमान को अपने तेवर दिखा रहे हैं। ये सीएम फेस घोषित नहीं होता, हाँ ये जरूर है कि पंजाब के लोग जानना चाहेंगे कि भाई कौन एजेंडा देगा, किसको जिम्मेवारी मिलेगी। इट इज ऑलवेज देयर, या तो किसी फेस पे इलेक्शन लड़ा जाता है या एजेंडे पे लड़ा जाता है कि लोगों ने सरकार बनानी है। पंजाब के लोगों की जमीन फाड़ के जो आवाज आ रही है वो आवाज सुननी पड़ेगी। पंजाब में कांग्रेस ने जब कैप्टन को हटाया तो नए सीएम की तलाश शुरू हुई। इस दौर में पहले सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा के साथ अंबिका सोनी और प्रताप बाजवा का नाम चला। इस दौर में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम दूर दूर तक नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नु एथे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं। चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने पंजाब के 32% अनुसूचित जाति वोट को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पार्षद से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले चन्नी ने इतने कम वक्त में ये साबित कर दिया कि जवानी में पिता के टेंट हाउस में हाथ बटाने वाले चन्नी चुनावों में पार्टी का ड्रम का साबित हो सकते हैं। कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक।